ये मैं आपको दो गज में प्लाजो बनाने का तरीका बताऊंगी, ठीक है? और वेरी इजी और वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये 3 इंच का कपड़ा का ये लेना है, 3 इंच का, ये 3 इंच इसकी भी वीडियो बना लेना, ये 3 इंच आपने इधर लेके इधर निशान लगा देना है, इधर से भी आपने 3 इंच लेके आपने निशान लगा के उसको आपने ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है? एक स्केल देना, ऐसे फोल्ड कर देना आप साइड पे होना, ठीक है? उसके बाद आपने ये 2 इंच का नेफा ले लेना, ठीक है? और ये भी आपने 2 इंच का नेफा ले लेना, नेफा लेके आपने ये लाइन एक ड्रा कर, ठीक है? ऐसे करके आपने लाइन ड्रा कर 2 इंच, ठीक है? अब आपका जितना आपकी हिप साइज है, मतलब कि हिप की जितनी चौड़ाई है, अब आपने ये लेना है तकरीबन 14 इंच, ठीक है? इतना कितना ये शो नहीं हो रहा, इस पर हिप साइज लेना है आपने, इसके अंदर ये आपने ये देखो 14 इंच ये हिप साइज ली है, हिप साइज ली है आपने, ये लाइन ऐसे सीधी ड्रा कर देनी, चाहे हमारे जितने भी हमारा 15 से 16 लेकिन प्लाजो की बात करेंगे, प्लाजो का कुछ और तरीका आप सिर्फ अभी देखें, सवाल बाद में कीजिएगा, ठीक है? और आपने ये अपनी हिप ले लेते हिप आसन ले लेना है, म्यानी ले लेनी है, ठीक है? यहाँ भी एक लाइन आपने ड्रा कर देनी है, ये देखें अब ये आपका यहाँ से आपको तंग होगा, यहाँ आपने 2 या 2.5 इंच का मार्जिन देना, अब आपने यहाँ से इसकी गुलाई दे, अब आपने वो वाला स्केल दिखाना, आपने इसको ऐसे तिरछा लेना है और इस चीज़ को आपने इसके साथ मिला देना, ठीक है? उसके बाद आपने इसको खोल लेना है वापस, ठीक है? इस लाइन को आपने पूरा कर दिया, ये आपकी लाइन आ रही थी, अब आपने ऐसे करके वो बड़ा स्केल लेंगे, बड़ा स्केल लेंगे, आपने अब इस लाइन को यहाँ रखना है और ये आपने तिरछी लाइन ड्रा कर देनी, वो जो मैंने 3 इंच फोल्ड किया, और देखिए कि और आपने यहाँ से गुलाई के लिए 1 इंच का निशान लगाना है, यहाँ से आपने 1.5 का निशान लगाना है, ये गुलाई आपने इधर से ऐसे दे देनी है, यहाँ से आपने गुलाई दे देनी है और इसको कट कर देखें कि इसका घेर देखें कितना बन गया है, ये सारा, हाँ जी ये सारा घेर कटिंग कर, हाँ जी अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ, वीडियो में अब आपने इसको कट कर मार्जिन अंदर ही मार्जिन अंदर, ये 2 गज में जब ये सिलाई होगा इतना कुछ प्यारा लगता है पहना होगा, बहुत ही प्यारा लगता है, अब आपका ये चीज यहाँ से ऐसे बुलाइए कट जाए, इसको आप मेड से रखिए,
फिर सही है इसकी पता को शरारा तो नहीं बोलते ऊपर अलग से होता है वो शायद इधर ये अब आपने स्टिच करना है तो आपने इसके दो पीस ऐसे उठा लेने हैं सबसे पहले ये वाली चीज आपने स्टिच कर लेनी है इसके दो पीस सिलाई कर दो पीस इसके और दो इसके फिर आपने ये साइडों की सिलाई लगा देनी है फिर ये नेफा दो दो पर की सिलाई ये देखें ये ऐसे कितने आ जाएगा देखें थोड़ा घेरा है ये प्लाजो का ये देखें ऐसे इतना खुला ये बनेगा हाँ जी देखें फिर ये देखें उसको मैं तो बना रही थी तस्वीरें इसकी समझ आई किसी को ईजी है बहुत मन कर दो दो इंच की जगह चोर के ऊपर से भी फोल्डिंग कर देंगे कितना ये खुला बना है और जब सिलाई होगा ना उसके बाद इसकी और ज़्यादा खूबसूरती आएगी ऐसे जोड़ेंगे ऐसे जैसे भी बता रहे हैं मैंने आ जाएगी ना ये इसके साथ जुड़ता होगा जब मैंने आपस में जुड़ेंगे सबसे पहले आपने ये सिलाई लगा लेती है।